सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से हम रिलायंस स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज रिलायंस कंपनी का एक बहुत बड़ा न्यूज आया हुआ है कि हो सकता है रिलायंस कंपनी 1.5 साल के अंदर डेट फ्री कंपनी हो जाएगा। अगर ये कंपनी डेट फ्री हो जाता है तो फिर ये कंपनी का ग्रोथ और तेजी से बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसी कंपनी का चार्ट पैटर्न देख के ये पता लगाते हैं कि ये कंपनी का न्यूज आने से पहले ये कंपनी का चार्ट के ऊपर ये कैसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी न्यूज आने से पहले उसी कंपनी का चार्ट के ऊपर हमको दिख जाता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के हमको सिग्नल दे रहा है या नीचे जाने के लिए हमको इंडिकेशन दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन करके हम डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करके जानते हैं कि ये स्टॉक किसी दिशा पे मूव करने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैंने जो भी टेक्निकल एनालिसिस करूंगा वो टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन करके इस स्टॉक के बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने रिलायंस स्टॉक का डेली चार्ट ओपन किया है और ये डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप उसका 10-15 दिन का चार्ट को देखोगे, देखिए कंटिन्यूसली लोअर हाई लोअर लो पैटर्न फॉर्म करके धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन देखिए, 2 ट्रेडिंग डे से ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर जाने की हमको सिग्नल दे रहा है और मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इसी ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक क्रॉस करके ऊपर जाके ट्रेड करने लगा है। और दोस्तों, इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब इसी लेवल के आसपास बाइंग का पैटर्न फॉर्म करके हाई वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ट्रेंड लाइन को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रहा है। और देखिए दोस्तों, ये स्टॉक जिस लेवल के आसपास आके पहुंचा है, ये स्टॉक के लिए लेवल एक डबल बॉटम का लेवल है। मैंने आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, रिलायंस स्टॉक का जो डबल बॉटम का लेवल, मतलब वो रिलायंस स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था, ये 1080 से लेकर 1105 लेवल के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जब ये लेवल के आसपास आके ये टच किया, इसी लेवल से स्टॉक बाइंग का पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाने की हमको सिग्नल दे रहा है। दोस्तों, ये जो 2 दिन पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमको दिख रहा है, ये बुलिश एंगलविंग का पैटर्न फॉर्म करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमको 2-3 दिनों से स्टॉक ऊपर जाने के लिए सिग्नल दे रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाता है, हमारे लिए जो पहला टारगेट बनेगा ये 1235 लेवल के आसपास। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब भी कोई भी स्टॉक इसका नीचे ट्रेड करता है, हम उस स्टॉक को बेयरिश मानते हैं। अगर कोई स्टॉक इसका नीचे चला जाता है और इसी लेवल से वापस ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है, तो ये जो 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन रहता है, ये लाइन इसको रेजिस्टेंस जैसा काम देता है। अगर ये स्टॉक 1235 लेवल के आसपास आएगा, इसी लेवल से स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है। अगर ये स्टॉक इसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो देखिए दोस्तों, 1300 लेवल के आसपास ही आराम से आ जाएगा। अगर ये स्टॉक 1300 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आता है, तो हमारे लिए जो थर्ड रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा 1400 का लेवल। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप ये लेवल के आसपास खरीदारी करोगे और ये स्टॉक वापस नीचे की तरफ आता है और ये 1105 लेवल को क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसी स्टॉक पे लॉस लेके निकल जाओगे। लेकिन ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमको ये सिग्नल मिल रहा है कि ये स्टॉक इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाने की हमको सिग्नल दे रहा है। लेकिन आपको इस पे बाइंग करने से पहले मैंने जितना का रिस्क यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप इतना रिस्क लेके ट्रेड कर पाओगे तो अभी आप ये स्टॉक पे खरीदारी कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, ये जो टारगेट है, ये टारगेट 2-3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगर ये टारगेट आ जाता है और उसके बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ये रिलायंस का स्टॉक ये लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर और ये 1 हफ्ते के अंदर ये 1300 लेवल के आसपास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 1:2 या 1:3 रेशियो पे आपको ट्रेड करने के लिए मिल रहा है। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इतना रिस्क लेके ट्रेड कर पाओगे, तो अभी आप ये स्टॉक पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था रिलायंस स्टॉक के ऊपर मैंने टेक्निकल एनालिसिस, और इसी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए हमको सिग्नल दे रहा है। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो लेकिन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है आपको कोई आइडिया नहीं है, और आप कुछ दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करके बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हो, तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक निफ्टी के ऊपर हेजिंग का स्ट्रैटेजी बनाया है, जो स्ट्रैटेजी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में मदद करेगा। और देखिए दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी पे मैंने कंटिन्यूअसली 3 महीना से लाइव मार्केट में ट्रेड करके इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इसी स्ट्रैटेजी को लिए हैं
और इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से काम कर रहे हैं उन लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। और दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैंने जो भी ट्रेड ले रहा हूँ जो मैक्सिमम रिस्क आ रहा है 2-3% के आसपास मैक्सिमम रिस्क आ रहा है और जो प्रॉफिट आ रहा है जनरली 2% से लेकर 6-7% तक प्रॉफिट आ जाता है। इसलिए दोस्तों हम हमेशा नेट नेट प्रॉफिट पे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने 3 महीना से जो भी ट्रेड कर रहा हूँ उसका रिजल्ट एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इसका रिजल्ट हर दिन इसी कम्युनिटी टैब पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों इसी रिजल्ट के हिसाब से मई मंथ पे हमको 18% से ज्यादा रिटर्न आया था। और देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ लेकिन मैंने जिस दिन जो भी ट्रेड कर रहा हूँ उसका रिजल्ट का वीडियो भी आपको स्क्रीन को रिफ्रेश करके शेयर कर रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो दोस्तों जो नो लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो है आप उसी वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे मई मंथ पे 18.10% के आसपास रिटर्न आया था, जून मंथ पे 17.80 का रिटर्न था, मतलब ये लगभग 18% के आसपास रिटर्न आया था। और जुलाई पे देखिए जुलाई पे मार्केट थोड़ा साइडवाइज था फिर भी देखिए 13% से ज्यादा रिटर्न आया था। दोस्तों अगर आपको ये 18% का रिटर्न कम लग रहा है मैंने आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आप फिक्स डिपोजिट या म्यूचुअल फंड के बारे में सोचोगे, देखिए दोस्तों फिक्स डिपोजिट पे हमको सालाना 8% के आसपास रिटर्न मिलता है लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में सोचोगे, देखिए म्यूचुअल फंड पे हमको मैक्सिमम 30-35% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों एक साल के अंदर 30-35% का रिटर्न एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक महीना में 18% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है। और देखिए दोस्तों अभी अगस्त मंथ कंटिन्यू चल रहा है और ये अगस्त मंथ पे मैंने जो 7 ट्रेडिंग डे से जो भी ट्रेड किया है देखिए जो भी प्रॉफिट आया उसको ग्रीन पे और जो लॉस आया उसको रेड पे मेंशन करके रखा है। तो देखिए दोस्तों नेट नेट अगर आप प्रॉफिट या लॉस को मिलाओगे 11,625.75 के आसपास ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। दोस्तों ये 1,00,000 कैपिटल के ऊपर 11% से भी ज्यादा रिटर्न है। दोस्तों ये एक सेफ स्ट्रैटेजी है और एक सेफ स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हमको महीना में 10% भी रिटर्न मिलता है तो रिटर्न एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि देखिए अगर महीना में 10% भी रिटर्न हमको मिलेगा ना तो हमारा एक साल के अंदर हमारा कैपिटल डबल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा ये बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है। अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे और यहाँ पे भी मेंशन किया है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।